बहुत बड़ा बुरी स्थिति है बिहार। भैया चौथे बार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है, लेकिन सरकार कौन चला रहा है ये इम्पोर्टेंट। और इसमें थाना, माफिया, अपराधी, नेता तीनों इन्वॉल्व है। DCLR, ADM, CO, CI सब इन्वॉल्व। ये सारी घटनाएं कुनो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं हो रहा। सुब बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। और इन लोगों के राजनीतिक झगड़े में बिहार के 14 करोड़ जनता क्यों पिसे? MLA MP बनने के लिए अपराधी और पैसा का मूल्यांकन होता है कि जितना ज्यादा पैसा और अपराधी होगा उतना ज्यादा हम जातीय आधार पर हीरो को पैदा किया जाता है और उस आधार पर टिकट दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी होंगे। पप्पू यादव जी, बिहार में क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर भी सियासत जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 40 हत्याएं जो हैं वो हुई हैं, 40 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप ये भी तो बताएं कि 17 महीने की सरकार में कितनी हत्याएं जो हैं वो हुई हैं, आप क्या मान रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये दोनों चौचों का मुरमुर्रा का जो सूब बाजे तो बाजे, चलियों बाजे है, और इन लोगों के राजनीतिक झगड़े में बिहार के 14 करोड़ जनता क्यों पीसे? 17 महीना भी नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और 17 महीने के बाद भी नीतीश जी मुख्यमंत्री है। मेरा सवाल न सत्ता पक्ष न विपक्ष इस सब में नहीं जाएंगे। क्राइम का सवाल सिर्फ क्या मुकेश सहनी के पिता से ही है? हाई प्रोफाइल कोई केस होगा तब आप CLC अथी को भेजिएगा, आप SIT गठन के साथ साथ सारा जो टेक्निकल सेल है सबको भेजिएगा। मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, गृहमंत्री बात करेंगे, जितने लोग हैं देश के सब लोग बात करेंगे। लेकिन जब कॉमन लोगों की हत्या होती है, जैसे मुजफ्फरपुर में 150 बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण हुआ नौकरी के नाम पर, एक बार भी विपक्ष, सत्ता पक्ष और कोई इस पर चर्चा की है? कल दो बच्चों की 10 साल 12 साल की हत्या हुई, दो बच्चे की, यौन शोषण किया गया, आंख में भोंका गया, नंगे थे, पैर हाथ बांध करके पानी में फेंकी गई, रोड जाम हुए, तीन भाई पर एक ही बेटा था, और उसके बाद उस पर केस को दबाने की एक मंत्री के साले के द्वारा एक अपार्टमेंट बनाई जा रही है, और उसी अपार्टमेंट में उसके साथ यौन शोषण हुआ और फिर उसको फेंक दिया गया। उस पर चर्चा हुई? दानापुर में और पटना में लगभग मर्डर हो रहे हैं, मर्डर करने वाला करवाने वाला नेता, पदाधिकारी माफिया या तो जमीन माफिया है या तो ड्रग्स माफिया है या तो शराब माफिया है या तो बालू माफिया है या तो ठेकेदार माफिया है। हम जानना ये चाहते हैं कि जितने MLA MP मंत्री संतरी हैं सबके खानदान का निकालिए कि रजिस्ट्रेशन किसके किसके नाम से है, और अपने अपने जिला में RWD, PWD, भवन, योजना आयोग, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कौन कौन टेंडर का काम कर रहा है, और जितना ड्रग्स लोगों को परोसा जा रहा है उसमें थाना का इन्वॉल्वमेशन कितना है, और जितना जमीन का कारोबार का धंधा है उसमें किस किस की भूमिका क्या है। तो जब ये नेक्सस को आप ख़त्म नहीं कीजिएगा तब तक अपराध और अपराधी की बात करना बेमानी होगी और एक दूसरे को गाली देना बेमानी होगी। दूसरी बात, MLA MP बनने के लिए अपराधी और पैसा का मूल्यांकन होता है कि जितना ज़्यादा पैसा और अपराधी होगा उतना ज़्यादा हम जातीय आधार पर हीरो को पैदा किया जाता है और उस आधार पर टिकट दिए जाते हैं। तो जब आप उन्मादी लोगों को, नफरत करने वाले, एक दूसरे जाति को गाली देने वाले को आप और लुटेरे माफियाओं को टिकट दीजिएगा तो आप एक दूसरे को गाली कैसे दे सकते हैं? हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा है,
मेरे पास लिस्ट है किस किस एमपी, किस किस एमएलए, किस किस मंत्री संतरी का खानदान कितना अलग अलग डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करा के टेंडर कर रहा है। ये लिस्ट है आपके पास? हाँ। अरे बाप, रोड का रोड है, आरडब्ल्यूडी प्रधानमंत्री सड़क योजना आधा से अधिक काम नहीं हुआ आज तक। हमने आज चीफ सेक्रेटरी एडीजे से जांच का मांग किया है। तो भैया ये कोई छुट भैया नहीं है, ये सारी घटनाएं कोनो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं हो रहा है। इसमें 70-80% जो घटना है वो लगभग बालू, शराब, ड्रग्स, जमीन के कारोबारी के कारण हो रहा है, और इसमें इन्वॉल्व लगभग सभी जिले में सब लोग। पटना सबसे ज्यादा मर्डर हो रही है, दानापुर, इसके पीछे क्या कारण है? और इतने बड़े घटना के बावजूद मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या, हाई प्रोफाइल केस हुआ, सभी लोग एसएफएल से लेकर सभी टीम चली गई, सभी लोग इन्वॉल्व हो गए। तो हाई प्रोफाइल केस जब जब होगा, और नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, ट्रंप पर भी गोली चली, तो ऐसा सब समाज में कभी कभी होता है। भैया चौथे बार में नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार कौन चला रहा है ये इम्पोर्टेंट। नीतीश जी चला रहे हैं, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। इकबाल 10 साल तक था, आधा इकबाल तीसरे साल खत्म हो गई, चौथे बार में तो इकबाल नाम की चीज रही नहीं। दो तीन छुट भैया नेता जो गाली गलौज में लगे रहते हैं, मैं ना तो किसी एमएलए एमपी मंत्री का नाम ले रहा हूं, मैंने कहा सबका प्रूव्ड मैं दूंगा लोकसभा को। और एक काम करें, इन लोगों का अपराध शाखा के द्वारा सबकी संपत्ति का जांच हो जाए, और जांच शुरू हो पप्पू यादव से कि 20 साल पहले, 10 साल पहले जो एमएलए एमपी नहीं थे, इन लोगों के पास कितना पैसा था, कितना जमीन था, और आज इन लोगों के खानदान में कितना जमीन, कितना घर, कितनी गाड़ी, तो ये पैसा कहां से लाए। और जिस शहर के एमपी हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, उसी शहर में आरडब्ल्यूडी सभी विभाग का काम यही लोग क्यों करते हैं, और मैनेज टेंडर क्यों होता है? तो अपराध को तो जन्म दे रहा है ना हो, और सबसे ज्यादा जो जिले में अपराध बढ़ रहा है उसमें ड्रग्स, कोरेक्स, शराब, जमीन, बालू, इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। और इसमें थाना, माफिया, अपराधी, नेता तीनों इन्वॉल्व है, डीसीएलआर, एडीएम, सीओ, सीआई सब इन्वॉल्व है। मोटेशन में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, साला 6 महीना में करोड़पति डीसीएलआर हो जाता है, कैसे भैया? सबसे ज्यादा जमीन का लिटिगेशन क्या है? अब तो माफिया क्या करता है, एक बहन से लिखा लेता है भाई, और बहन में झगड़ा करवा रहा है, क्या है भाई? भाई भाई से भी बात करवा करके जमीन लिखा रहा है, बाप ने लिख दिया, 3 भाई से लिखा लिया, 1 भाई से झगड़ा कर रहा है, 1 भाई से लिखा लिया, 3 भाई से माफिया झगड़ा कर रहा है। बहुत बड़ा बुरी स्थिति है बिहार की। आप बिहार के इकोनॉमिकल में नहीं जा रहे हैं, बिहार की गरीबी कहाँ उस पर नहीं जा रहे हैं, मांग तो रहे हैं, बिहार का जीडीपी कहाँ उस पर नहीं जा रहे हैं, और अपराध का याद हाई प्रोफाइल केस से क्यों होता है आप लोगों को, सबको? मीडिया की भी वही हाल, नेताओं की भी वही हाल, सारे लोगों का एक ही हाल है, जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो अपराध चरम पर हो जाती है। ना मैं जंगल राज बोलूंगा, ना मैं कोई बराज बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पूरा बिहार
नेता अपराधी माफिया के पाप दबे दब चुके हैं, कुकर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार सीमा पर है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, हमारा जो इकोनॉमिकल रेट है वो दुनिया का सबसे निचले पदान पे चला गया है, आम लोग रोजगार और विकास की बात नहीं करते हैं सिवाय लूट के। इसलिए वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। सबके पास एक ही धंधा, सबको हम सबका पता है।